नमस्कार, मैं हूं सुरेश तिवारी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ओनली न्यूज नेशन पर। इस वक्त की बड़ी खबर भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक कदम से जुड़ा हुआ आ रहा है जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों में ही त्राहिमाम मचा दिया है। पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है कि भारत ने आखिर ये कदम कैसे उठा लिया, लेकिन भारत ने पूरे देश और दुनिया को एक बात साफ समझा दिया है कि भारत अब अपने देश की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कुछ भी कर सकता है और उसकी सुरक्षा पर जो भी आंख दिखाएगा उसकी निकाल ली जाएंगी। जी हां, भारत ने अपने अग्नि मिसाइल का मुंह इस्लामाबाद और बीजिंग की तरफ मोड़ दिया। आपको बता दें कि बीजिंग को मात्र 13 मिनट के अंदर भारत का यह मिसाइल खत्म कर सकता है, वहीं इस्लामाबाद को नष्ट-नाबूद करने में यह मिसाइल मात्र 2.5 मिनट लगाएगा। ऐसे में भारत के इस कदम से भारत के दुश्मनों के बीच में खलबली मच गई है और तमाम देशों के बीच में बस यही खबर उठी हुई है कि आखिर भारत ने यह क्या कदम उठा लिया है। आपको बता दें कि इस बीच पाकिस्तान को लगातार भारत समझा रहा है कि पीओके को लेकर हमारा सीधा लक्ष्य है पीओके पर अपना अगला कदम डालना। जिस तरीके से हमारे आर्मी के तमाम अधिकारियों ने और रक्षा मंत्रालय से ये बयान जारी किया गया है पीओके को लेकर, तब से पाकिस्तान में खलबली मची हुई थी, लेकिन इस खलबली को भारत के इस कदम ने दोगुना कर दिया है और इसके साथ ही चीन की नींदें उड़ा दी हैं। तो चलिए आपको सीधे दिखाते हैं कैसे भारत का यह मिसाइल 2.5 मिनट में इस्लामाबाद तो 13 मिनट में बीजिंग को खत्म करने के लिए तैयार बैठा हुआ है बॉर्डर पर, और कैसे भारत ने इस मिसाइल के इस कामयाबी का ऐलान करते हुए चीन और पाकिस्तान को एक तरफ से सीधा जवाब दे दिया है कि अब तुम्हारे तमाम नापाक चालों का जवाब भारत उसी भाषा में देगा जिस भाषा में तुम समझोगे। बता दें कि यह मिसाइल पाकिस्तान और चीन के लिए काल बनकर उभरा है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको बॉर्डर पर और दिखाते हैं भारत का ये जबरदस्त कामयाबी का वीडियो। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, कमेंट करके भारत के इस कामयाबी पर, भारत के इस एक्शन पर अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। बता दें कि उड़ीसा के अब्दुल कलाम व्हीलर आइलैंड पर अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ ही चीन और पाक जैसे दुश्मनों के खेमे में हलचल मच गई है। बता दें कि 11 साल हो चुके हैं इस मिसाइल को सेना में शामिल किए हुए। यह एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, हालांकि पारंपरिक और थर्मोबैरिक हथियारों से भी हमला कर सकती है। इसमें एक साथ कई टारगेट पर हमला करने वाली तकनीक MIRV जैसी ही समान टेक्नोलॉजी है। अग्नि 3 मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत उसकी स्पीड है, जी हाँ, उसकी गति। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इस मिसाइल का रेंज क्या है। बता दें कि इस मिसाइल की रेंज 3,000 से 5,000 किलोमीटर तक बताई जाती है, यानी हथियार का वजन कम या ज्यादा करके रेंज को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। 3,000 से 5,000 किलोमीटर की रेंज यानी चीन की बहुत बड़ा हिस्सा, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अरब देश, इंडोनेशिया, म्यांमार जैसे देश इस मिसाइल की जद में है। यानी आप चारों तरफ अपनी सुरक्षा के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अग्नि 3 मिसाइल की गति चलिए आपको अब उससे भी वाकिफ करवा देते हैं। अग्नि 3 मिसाइल की गति Mach 15 है, यानी 18,522 किलोमीटर प्रति घंटा। यह डरावनी गति है, यानी 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड। इस गति में उड़ने वाली मिसाइल दुश्मन को सांस लेने या पलक झपकाने तक का मौका नहीं देती। 17 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम है। कहते हैं कि एक अग्नि 3 मिसाइल बनाने में 25 से 35 करोड़ रुपए की लागत आती है। इसे 8x8 ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्च से छोड़ा जाता है। बता दें कि इस मिसाइल से कुछ ही मिनटों में बीजिंग और इस्लामाबाद तबाह हो जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग की दिल्ली से हवाई दूरी 3,751 किलोमीटर है। अग्नि 3 मिसाइल 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। उस हिसाब से बीजिंग की दूरी 12.63 मिनट में
पूरी हो जाएगी। जी हाँ, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की बात करें तो उसकी हवाई दूरी 669 किलोमीटर है। यहां तो अग्नि 3 मिसाइल मात्र 2.5 मिनट में तबाही मचा देगा, कोहराम मचा देगा। आपको बता दें कि सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता में भारत ने अब इजाफा कर लिया है। जी हाँ, अग्नि 3 मिसाइल समेत भारत के पास जितने भी परमाणु हथियार हैं उन पर नीति एकदम साफ है, हम पहले हमला नहीं करेंगे मगर दुश्मन के हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगर दुश्मन ने हमें उकसाया तो दुश्मन को उसका जवाब भी हम मुंहतोड़ देंगे। अग्नि सीरीज की मिसाइलों से सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता बढ़ जाती है। अग्नि 3 मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने विकसित किया है। यह 1-2 स्टेज वाली मिसाइल है जो सॉलिड ईंधन से उड़ती है। आमतौर पर लंबी दूरी के बैलिस्टिक में सॉलिड ईंधनों का ही इस्तेमाल होता है क्योंकि इससे उन्हें ज्यादा गति प्राप्त होती है। आपको बता दें कि 450 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने की यह मिसाइल क्षमता रखता है। जी अग्नि 3 मिसाइल अपने टारगेट से अगर 40 मीटर यानी 130 फीट दूर भी गिरती है तो तबाही 100% पक्की है। कोई दो राय नहीं है कि वह उसको बख्श देगा। इसे सर्कुलर एरर प्रोबेबल यानी कि CEP कहते हैं। यह मिसाइल आसमान में अधिकतम 450 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है यानी दुश्मन के सैटेलाइट्स को मारने की क्षमता भी इसमें भरपूर है। अगर सैटेलाइट को टारगेट बनाया जाए तो उड़ान के बीच यह अपना रास्ता भी बदल सकती है। जी अग्नि 3 मिसाइल में रिंग लेजर गायरोस्कोप इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है यानी यह मिसाइल उड़ते समय बीच में अपना रास्ता बदल सकती है। उड़ते समय ही यह इंफ्रारेड होमिंग रडार सीन क्लोकोलिरेशन और एक्टिव रडार होमिंग की मदद से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम। इसका मतलब दुश्मन कितना भी भागने की कोशिश करे उसकी मौत पक्की है। इस मिसाइल का पहला टेस्ट 9 जुलाई 2006 में हुआ था लेकिन वह असफल रहा था। मिसाइल टारगेट से पहले ही गिर गई थी। उसके बाद 2007 में दूसरी बार और फिर 2008 में तीसरे लॉन्च में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इससे पहले DRDO ने नवंबर में AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इसके साथ ही भारत अब लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में पूरी तरह से सक्षम हो गया है। DRDO के चीफ समीर कामत ने इस बारे में पूरी जानकारी दी और जानकारी देते हुए बताया कि यह एक बड़ी सफलता है कि भारतीय सेना अब लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने बताया कि AD-1 यानी कि 5000 किलोमीटर क्लास के मिसाइलों को AD-1 इंटरसेप्ट कर सकता है। DRDO चीफ कामत ने बताया था कि अगर दुश्मन हमें लॉन्ग रेंज से टारगेट करता है तो हम उसे इंटरसेप्ट करने में अब सक्षम हो गए हैं। यह बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ हमारी अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। आपको बता दें कि 2490 किलो वजनी हथियार लगा सकते हैं इस मिसाइल में। जी अग्नि 3 मिसाइल को सुधारा गया। इसके बाद 2007 में फिर परीक्षण किया गया, टारगेट की धज्जियां उड़ा दी गई। अग्नि 3 मिसाइल भारत की मिसाइलों में सबसे भरोसेमंद, ताकतवर और तेज गति की मिसाइलों में से एक है। इसमें आप परमाणु बम भी लगा सकते हैं, आग उगलने वाले थर्मोबैरिक हथियार भी लगा सकते हैं। साल 2010 में इसका फिर परीक्षण किया गया था, तब भी इसने टारगेट पर सटीकता के साथ हमला किया था। इस मिसाइल पर 2490 किलोग्राम वजनी हथियार तैनात किया जा सकता है। साल 2013-15-17 में भी इसके सफल परीक्षण हो चुके हैं। इस पूरे खबर पर आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। खबर कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी शेयर करेगा ताकि भारत का ये कामयाबी ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाएं। जो लोग सेना पर सवाल खड़ा करते हैं, भारत में सत्ता में बैठे मोदी सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं कि उन्होंने क्या किया है, उनको ये खबर दिख जाए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ ओनली न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।